जुहा नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मुलकरमा मुख्य खबर। पदम पुण्य उच्च शिक्षा मंत्री निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन अभियोग निजर उपर दोष उठेदेले मंत्री कहले नोटिस नाई देखिकी निलंबन बाबद ने नाई जानी। पदमपुरे न्याय लागिर पीड़ित परिवारक एंट्री टार्गेट रे शासक बीजेडी उपनिर्वाचन ने बीजेडी विरोध ने प्रचार हाथ जुड़ी के कहले नाइदियो बीजेडी के भोट। खुलीगला बीजेडीर असल मुखा सरकारी अधिकारी कांधे निर्वाचन लड़ुचे शासक दल स्वच्छ आर अबाध निर्वाचन धज्जा उड़ाला सोलह जीआरएस कर बदली निर्देश ग्राउंड जीरो ने अच्छा आर केते सरकारी अधिकारी। शासक दल 50% नु अधिका विधायक आर मंत्री पदम पुण्य उपनिर्वाचन थी मातिल सियाड़े खाली पड़ीचे विधानसभा सीट मुख्यमंत्री विधानसभा बिल्के उपस्थिति रहबाके दैथिले निर्देश हेले निर्देश के नाई मानले दलीय लोक प्रतिनिधि। केभे दूर हेबा चाषीर दुख केतेबेले मंडी समस्या तो केतेबेले मिलर्स राज व्यवस्था और अव्यवस्था भितरे पिसी होचन चाषी नाई न किसी मौलिक सुविधा। आरु जोर धरुचे जिला मान्यता दाबी 12 घंटिया टीटलागड़ आर कंटाबंजी बंद टीटलागड़ जिला क्रियानुष्ठान कमिटी आर जिला संघर्ष समिति आड़ बंद पालन स्कूल कॉलेज संगे सरकारी कार्यालय बंद। आयमा पूरा खबर के चासी मुड़े चड़क पकईचे चकड़ा पोक आए खागे उजड़ी जाऊचे सुनार फसल बछर चाकर परिश्रम करितिबार चासी ठीक अमल समय ने दुखर सामना करुचे जेन फसल अमल हेकिना घर के आई थीता सेटा चाष जमी नहीं नष्ट हो जाऊचे चासी को क्षतिपूरण जुगे देबा के दाबी करिचे कांग्रेस आसन देखमा रिपोर्ट। चड़क पकईचे चकड़ा आएक आगे उजड़ी जाऊछे फसल धानर जीवन नेउछे पोक काम करबार नाई उसो चिंता थी चासी चाष जमीने चोरी गलान चकड़ा पोक खराब हो गलान हेक्टर हेक्टर चाष जमीन गचमूले लागिकिना धानर जीवन नहीं जाऊचन इ चकड़ा पोक। देवगढ़ जिला तिलेबणी ब्लकर भिन भिन अंचल ने देखा देचे इ दृश्य बिहन सार उसवार मजूरी बाबद के हजार हजार टंका खर्च होइतिबार बेलके हाड़बंगा परिश्रम करिकरि चासी इथर धान चास करिथिला आर दिन केतेटा परे अमल करिथिते मातर ठीक समय ने चासीर चिंता बढ़ेछे चकड़ा पोक। चकड़ा पोक नु निजर फसल के सुरक्षित रखबा लागिर जहाँ भी कीटनाशक पकाले किछि काम नाई करबार जहाँ लागिर प्राय 50 हेक्टर चास जमी क्षति होइतिबार चासी अभियोग करिछन। आग हाथी खाले तापर ये चकड़ा पोक लगे जाए एकर एकर जगह पूरा नष्ट पूरा धान काटले पूरा हालुका भेतर किसी ना खाली पुल गुड़ाक सोसाइटी लोन स्टेट बैंक लोन इनके सब लोन बाड़ी आनी आम करूँ बहुत प्रकार मेडिसीन मारलु यो सार कहले यही मेडिसीन मार आम निजस्व टू भी मेडिसीन नहीं किणकर मारला से मेडिसीन आई भी कम हलानी से पोक दमन हेले ना। चकड़ा पोक लागिर धान गस सब नष्ट हो गलान दिन के दिन गुटे परे गुटे जमी नष्ट होबाके लागिछे सेले जिला कांग्रेस रो गुटे टीम चकड़ा अंचल बुली देखबा संगे क्षतिपूरण दाबी करिछन सियाड़े बाबद ने पचराबानु चास मूल नु चासी को सतर्क करबा संगे भिन भिन परामर्श दिया जाइथिला भिन भिन अंचल ने चासी क्षतिग्रस्त होइथिबार आमर नजर के आइछे आम जिला स्तरीय अधिकारी को जनई देइथिबार कहिछन तिलेबणी ब्लॉक कृषि अधिकारी। चकड़ा पोक जो क्षति होता गोटे आकलन कर शीघ्र क्षतिपूरण पाई आम गोटे दाबी आज जिलापा सहित राज्यर मुख्यमंत्री को कृषि विभाग को 5T सचिव को एवं डीओ साय को मध्य देवगढ़ एग्रीकल्चर अफिसर को आम आज आसीचु जिलापा प्रथम देवु तिलेवणी ब्लक आमर चकड़ा देखा जाए गाँव गुटा आम अवगत थी आगु चाषी को भी सचेतन करूँ आमर लिपलेट माध्यम हो कि व्हाट्सअप माध्यम जो चाषी अच्छा समस्त सचेतन करूँ देखा गले आमर से जो क्षय क्षतिर सेम को ब्लक्रु आम गोटे देखिए आम आमर
जिला मुख्य कृषि अधिकारी को आम जनइबू तापर से जहाँ व्यवस्था करने को सी धार करज करना चाषी चाष कर किंतु ठीक अमल बेलके चकड़ा पोक सबु सारीदेला बछर जाक रोजगार हराबा चिंताने रहीचे चाषी सरकार क्षतिपूरण नाइदेले आयबार दिने चाषी आंदोलन के उलामु बोली चेतावनी देइचन। देवगढ़ निर्माल्य साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मंडी नु धान घिनबा के सरकार प्रस्तुत थिबार कहउछन हेले एजेंट नानी दलाल रखुचे मिलर केते बेले मंडी समस्या तो केते बेले मिलर्स राज सबु बेले व्यवस्थार अव्यवस्था भितर बलि पड़ुन चाषी मैंने निजर भिन भिन दाबी धरिकी नल्लार चाषी मैंने जिलापाल को जनईन जदि समस्यार समाधान नहीं हुए आके आंदोलन चेतावनी देछन। केबे दूर हबा चासीर दुख केते बेले मंडी समस्या तो आर केते बेले मिलर्स राज व्यवस्था अव्यवस्था भित्रे बोली पड़ुचन चासी नाइनो केनसी मौलिक सुविधा फी दिन हैरान चासी मंडी ने चासी तार धान बिकबा लागिर सरकार तारीख ठीक करिचन सेथि लागिर कलाहांडी जिला नरला ब्लॉक रो सातटा पैक्स तीनटा एसएचजी अधीन ने पाखापाखी 20टा मंडी सरकारी भावे चालबार व्यवस्था रहीछे बिना दलालार सबु मौलिक सुविधा संगे चासितार धान बिकी पारबा बोली प्रशासन कहुछे हेले आरएमसी की प्याक्साडु सेंता किछि व्यवस्था करा नै जाई चासी मानकर मूड गुंजबा लागिर तंबू की पीबा लागिर पायन केनसी प्रकार सुविधा व्यवस्था करा जाइथिबार चासी माने अभिजोग आनिछन। आमे बर जाक्ति खटुछु कटी करी आम जेते बेल धान मंडी के नौचू से कैन सुविधा नहीं होचा आज्ञा लाइट नहीं ना कैन पैसा उड़ जिम बोले भी जगह नहीं ना राति कैन बस्ता रखी थी सुबा के आमको असुविधा कैन तंबू गुटे नहीं ना से आमको बहुत कष्ट होचे जदि इ प्रकार हवा बोले आम धान मने फिर पीवा पैन तो नहीं आकार रहा हेले आमके जन असुविधा हो असुविधा काम के दूर कले एका हवा आज आम राति धान रख करें अंधार रोचे लाइट नहीं कि फाइट नहीं खाली से नुहे से एजेंट ना ने मिलर दला लखुवार अभोग हो से दलाल माने चासी मान को धमके चमके किना क्विंटल पिछा 5 नु 10 केजी धान कटनी छटनी करी थीसन सेथि लागि ई दिगे जिलापाल टिके नजर पकाबे बोली चासी महल ने दाबी हेउछे आर जेन चासी मान कर टोकन केनसी कारण नु कटी जिबा तो फेर थरे ऑफलाइन टोकन देबाके दाबी करिछन चासी नेता। चासी आउ सोसाइटी दुई लोकर भितर लिंक रहो मिलर्स किंबा दलाल तांकर एजेंट मानकर स्थान सेने नहीं रहबा कथा तेबे जे करी चासी उचित दाम पाई पारबा मंडी रे आ उचित मूल्य रे तार धान बिक्री पारबा और धान रो क्वालिटी से माने निर्धारण ठीक हे पारबा। नरला तहसील अधीन रे हमर 20टी पैक्स अछि सेई 20टी पेडी प्रोक्योरमेंट सेंटर मानकर विभिन्न व्यवस्था करा जेबो अन्य वर्ष मानक परी आ से तार प्रिपेरेटरी मीटिंग 23 तारीख रे अछि से अनुसार जमी से आलोचना हम जमी निर्देश रही अनुसार तथापि आम जुरीडिक्शन नरला तहसील जुरीडिक्शन तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार रेवेन्यू सुपरभाइजर एवं कनसर्न एम आई एवं आरआई मानक नहीं गोटे स्क्वाड भी तैयारी जमी सुरखुरी चलो मंडी धान गिनबा के सरकार प्रस्तुत थिबार कहुचन हेले एजेंट नाने दलाल रखुचे मिलर चासी माने निजर भिन भिन दाबी जिलापाल को जनईन जदि समस्यार समाधान नहीं हुए आगे आंदोलन के उतरिबे बोली चेतावनी देइचन। कलाहांडी नरलानु शुभम रोहिलांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सियाड़े सोनपुर ने भी खरीफ धान संग्रह के नहीं किना बढ़ुचे चाषी असंतोष प्रशासन मनमुखी काम लगे अड़ुआ ने जिला चाषी जिला धान संग्रह कमिटी बैठक ने होइतिबार तारीख घोषणा के प्रशासन बदलै दैथिबार अभियोग हेछि ठीक हेइतिबार तारीख बदले डेरी रे संग्रह हबा धान जहाँ लागि दलाल हाते धान बिकबा के बाध्य हेबे चासी माने एंता गुटे संगीन अभियोग के नेकिना सांबादिक सम्मेलनी कहिछे जिला कृषक संगठन अभियोग हिसाबे गला अक्टोबर 31 तारीख ने होइतिबार डीएलपीसी बैठक ने नवंबर 30 तारीख ने धान किना जिबा बोली ठीक हेइतिला हेले डिसेंबर मास 5 तारीख ने धान संग्रह हेबा बोली चर्चा होछे नवंबर 30 ने धान घिना नै गले संगठन आडू आंदोलन करा जिबा बोली चेतावनी दिछ।
ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଶତ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ଭରସା ରଖିବେ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନବାଜୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରଳ କିସମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିସମର ଧାନ ଅମଳ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସେ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ, ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ବାହା ବିବାହ ପାର୍ବଣ ଏହିସବୁ କରିବାରେ ସେମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକରି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ହେବା, ସେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ହେଉ, ଯଦି ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ନାଇଁ ହେଉଛେ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଯାହା ହେବା ଏବଂ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଧାନ ବିକ୍ବା ଲାଗି ଗାଁ ଗାଁନେ ବୁଲା ପ୍ରଚାରରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ ଆଇବା କାଲିଠାନୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାନ ଘିନ୍ବା, ଇଥିଲାଗି ପ୍ରଚାରରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 3 ବ୍ଲକ୍ନେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣ୍ବା ଲାଗି ଇ ରଥ ବୁଲୁଛେ। ଇ ବଛର ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ 2060 ଆର୍ ସାଧାରଣ ଧାନ FAQ 2040 ରଖାଯାଇଛେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛେ। ଏ ସଚେତନତା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟର ପାଇବେ ଆଉ କୌଣସି ଚାଷୀ ଯେମିତି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଗୋଟେ 1967 ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ଦବାଇଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଇଏ କରିବା ଟୋକନ୍ ପାଇବେ, ଏଥିରେ 6-7 ଏ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଏହାକୁ ଭଲ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା କରାଯାଉଛି। ପଦମପୁର ଲାଗିର ବିଧାନସଭାରେ ନେତାଙ୍କର ମର୍ଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଶାସକ ଦଳର 50% ଅତକା ବିଧାୟକ ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦମପୁରନେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଝାଲ ବୋହୁଛନ୍, ହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସିଟ୍ ଖାଲି। ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ବେଲ୍କେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଲାଗି ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥାକେ ନାଇଁ ମାନି ଦଳୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଜ ବିଧାନସଭାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଆଇବା, ହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଧାନସଭାରେ ନାଇଁନ। ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ମୂଲ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ନାଇଁ ଯାଇ। ସିଆଡ଼େ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନାଇଁଥିବା ଲାଗି ବର୍ଷିଛେ ବିରୋଧୀ ଦଳ BJP। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଇବାକେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଖୁଦ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ରହିବା ଗୃହ ଲାଗି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ। 50% ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ମାତ୍ର 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଏଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ବଜେଟ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଏଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରଖାହେଉଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଦିନକେ ଦିନ ପଦମପୁରନେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବାର ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ BJD ଲାଗି ଅଡ଼ୁଆ ସାଜିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା। ସେନ୍ତା ଆଜ ପଦମପୁରନେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାନେ ଥିବାର ପରିବାର ପହଞ୍ଚିକିନା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ଆର୍ ଛକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ ଆର୍ ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେବାକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ଶାସକ ଦଳର କ୍ଷମତା ନେଇଥିବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲାଗି ଇମାନେ ଆଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍। ସରକାରଙ୍କର ଦାଗୀ ନେତା ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଉ କି ପରି ପିହୁ ଘଟଣା ହେଉ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛେ, ହେଲେ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିନା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍। ଇମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକିନା ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେଉନ୍ ବୋଲି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ଇ ବାବଦ ଏତକା ସୂଚନା ଲାଗି ପଦମପୁରନେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ମନୀଷ, ଇ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଆଜି ନାଇଁ ସେ କାହିଁ କେତେ ବଛନ୍ନୁ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଆଶା ରଖିଛନ୍, ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଆଜି ଇମାନେ ପଦମପୁରନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ କି ଶାସକ ଦଳକେ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେବା ଲାଗି।
निश्चित रूपे अनुराधा मुई जदि कहमि आप देख ये हूँ पाइकमाल छक जेनटा कि नरसिंहनाथ मंदिर जीवार रास्ता आउ इनु आज न्याय पे लड़े परिवार आसिक पहुंचीचन आउ सीधा सलख मुई दृश्य देखा लगी कहमि कैमरामैन के तो जी रही जशोवंत से सीधा सलख आपको चित्र देखा जे न्याय पे लड़े परिवार आज जेन आसीचन से गोटे बैनर तैयारी करनर तैयारी करते सीधा सलख लिखीचन जे नरहत्याकारी सरकार के हटा आर ओडिशा के बच आप जानते आम पिहुर कथ भी जानीचन परी कथा भी जानीचन तार संगे कुजंगर जेन युव इंजीनियर कथा भी जानीचन आउ जेतेबेले महांगा डबल मदर कथा ए सबु जेन परिवार माने रहीचन सेमाने जेतेबेले न्याय न्याय पाई पाले आज सेमाने प्रोटेस्ट करीचन आउ पदमपुर के आसीचन जेतु उपनिर्वाचन रहीचे आष्टानु माने मूल करीचन जेन 30टा जिल्ला ए माने बुलबे जेते जेन जगा रे भी निर्वाचन हेबा आउ आंदोलन करबे आउ जेन सरकारी दल अछे ताके वोट ना देबा लागि लोकंकु गुहारी करबे त हमर संगे अछन जेतु आपन जानीचन बहुत चर्चित हेतला गोविंद कुमार जेन हाजत मृत्यु होता भाई जितेंद्र कुमार अच्छा आम प्रतिक्रिया ना आज्ञा क्या कहे आज आपचन पदमपुर डेढ़ बरस हो गलान आपको न्याय न्याय मिलला कण कहे आज्ञा मुझे ये कहबारे चाहूँ जेतक आम पदमपुर भाई बहन जहाँ भी अच्छा समस्त को जन दि जाऊँचे बर्तमान आम जेन यहाँ तकलीफ में जेनता आम जीवचु नेक्स्ट टाइम से मैंने भी विजु जनता दल के विश्वास करके भोट नहीं दिं आते दिन भी है मोर भाई केसटा आज तल रुजु नहीं हबार दल ओडिशा सरकार चापरे रही से केस रुजु नहीं हबार आज तो डेढ़ बरस होगलान से पदमपुर जितकी भी मोर भाई बहन जहाँ भी समस्त को जनबार के चाहूँ जे नेक्स्ट टाइम से मैंने ये गलती नहीं करूँ विजु जनता दल के आोट नहीं दून से मोर समस्त को मोर गुहारी अच्छे आज्ञा से मुझे आज पदमपुर के आसीचे मुझे आज आपत के जगह बुली सारे न केन केन जगह कलेक्टर के गले न एसपी के गले के दूर गले न फिर भी आप न्याय नहीं मिलवा जेन अधिकारी मैंने कैसे कार्यानुषान भी नहीं आज्ञा जितकी भी थी आर भी मैंने से आज तलक भी कौन सजा नहीं मिलला मुई एसपी के जिकिरी कलेक्टर के जिकिरी समस्त को नहीं गला भी आज तलक मुई न्याय नुए पाइबार दे ना केस रुजु भी नहीं हबार दे से मुई आज्ञा नेक्स्ट टाइम इटा पदमपुर भी आसीचे जे आगामी दिन में आउ कौन भाई भी एंता आ गोटे भाई के नहीं हरू से समस्त को जनाबार लगे आम आसीचु आज तलक आम 30टा जिला भी जी सब प्रचार करमु आम से आम सब एकाठी होकर आज पदमपुर आसीचु आज्ञा कौशल सेना रहीचन अनुराधा मुई आपको चित्र देखामी जेन से माने भी आज आसिकी ताकू समर्थन जनईन जेन न्याय पीड़ित परिवार अच्छा न्याय लगे लड़े करूचन ताकू से माने समर्थन जनाऊन जे न्याय लेवा लगे आपण मैंने आईचन ताकू समर्थन जनाऊन कण कहे आम बहुमात्रा समर्थन जनाऊ क्या बोले समकीर बा बहन निए पो जी सब गुटे समकु ओडिशा सरकार उचित निए देवार कथा किंतु आम इनु देखुचे ओडिशा सरकार मेन कर पश्चिमांचल लोक ठकुचे ताकर घरे अन्याय अत्याचार पुलिस लगे कर देखी थे ये निर्वाचन प्रक्रिय पुलिस केन प्रकार तार चाटुकारिता करुचे हेन्दा करस मान को दबाई दिहे आगामी दिन में आम ओडिशा सरकार के इटा प्रार्थना कर जल्द से जल्द निया मिलू ना आगामी दिन में कौशलांचल सब लोग तार जेन रक्त छिटान मंत्री मैंने आसिक भोट प्रचार करुचन गोटे गोटे मलदर मंत्री मैंने से एरिया देखले आम दौड़े दौड़े पिटमु प्रतिक्रिया ना क्या कहे जे आप आसीचन के प्रचार कर आज्ञा आम पद्मपुर आसीचु एवं पद्मपुर पूरा बुली बुली आम ये पद्मपुर दुईदिनिया गस्तर आसीचु एवं बुली बुली प्रचार करूँ जे नरहत्याकारी सरकार हटाओ ओडिशा बचाओ आज आज्ञा यहाँ आज करूनु आम आगामी 2024 निर्वाचन रे जे आज नवीन पटनायक आपण मध्यम जनई दौ जदि ए समस्त पीड़ित परिवार को न्याय न दिंती ताले आमे जो 2024 मसीह जो साधारण निर्वाचन अच्छी आम 30 जिलार समस्त निर्वाचन मंडली बुले बुले प्रचार करूँ जे ए नरहत्याकारी मंत्री मानू ए नरहत्याकारी सरकार को बरखास्त करा जाऊ एवं नरहत्याकारी सरकार हटाओ ओडिशा बचाओ अभियान आम जारी रखिबु आपण देखुथिले आमर प्रतिनिधि प्रतिक्रिया नेउथिले ई परिवार मानकर कार मां जाइछे तो कार बहन जाइछे ई सब न्याय लागि सरकार को बहुत थोर गुहारी करिछन किंतु सरकार इमानकर कथा नाइ सुनबार जेन्ति लागि माने आज पदमपुर आइचन आर सरकार हटाओ ओडिशा बचाओ नारा देउचन बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपनकर सूचना लागि पदमपुर बीजेडी इलेक्शन मैनेजमेंट रो सरकारी अधिकारी साम दाम दंड भेद सबू लगे किना शासक दल जितबा के चेष्टा करुचे परिस्थिति एंता हिचे जे पंचायत रे नियुक्ति हेती बार सरकारी अधिकारी करहंदे निर्वाचनी पार हेउचन शंखदर बीजेडी बैठक ने जीआरएस मानकर धाड़ी जमीचे इनकी गला 21 तारीख ने कड़ा कार्यानुष्ठान लगिर बीजेपी मुखिया निर्वाचन अधिकारी को दाबीपत्र दि जाइला बरगढ़ जिलापाल मनीषा बानर्जी से बदली निर्देश देछन हेले एबे भी
ପଦମପୁରରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାର କଥା ଜୋରସୋରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କେତେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ତା ସରକାରୀ ଦଲ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ୍ ନେ ଫେର୍ ଥରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ। ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରକୁ ରାଗିକ୍ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇନେକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଛାନ୍ବିନ୍ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି ଭିସୁଟ୍ କୁଳପତି ବଂଶୀଧର ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଘଟଣାକେ ନେଇକିନା ବୁର୍ଲା ଥାନା ନେ ଭିଲ୍ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଆଡ଼େ ପୁଲିସ୍ ଭିଲ୍ ଛାନ୍ବିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେୟାର ରେଖା ତାଙ୍କ ଫ୍ଲୋର ଆମ ଫ୍ଲୋରର ସେ ଷ୍ଟେୟାର ରେଖା ସେମାନେ ଆସିକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଲିଗୋଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜଣ କଲର ମୋର ଧରିଲା, ତାପରେ ହାତ କିଟିକି ହଟାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ 15-16 ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ମାରପିଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରେଗିଂ ନା ମାରପିଟ ସେ ରେଗିଂ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଖି ତଲକ ଏଇଟା କର ସେଟା କର କରିଛନ୍। ତାପରେ ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଇନେ ବହୁତ ପିଟା ହେଇଛି, ମୋର ହାତ ପୁରା ଭଲ କରି ସିଧା ନିଆ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଡରାଲି ବି ଯେ ଯଦି କିଛି କଲୁ ଆଗକୁ କିଛି କଲୁ ବୋଲେ ବୟକଟ କରିଦେମୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କାଢ଼ିଦେମୁ, ହଷ୍ଟେଲରୁ କାଢ଼ିଦେମୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ବି ବସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ମାନେ ତାପରେ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଦର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅର୍ ସମ ଇସ୍ୟୁ। ସାର୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପାଖାପାଖି? ସିଏ ଏବେ କିଛି କହିନି, ତାକୁ ଖାଲି ହେଇଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ବନ୍ଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆଡ଼ୁ ଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ଜିଲ୍ଲା ହେବାକେ ସମର୍ଥନ କରିକିନା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆର୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦେଖେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ଜିଲ୍ଲା ସମର୍ଥନ କରିକିନା ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି। ବନ୍ଦ ଲାଗି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସଙ୍ଗେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। 1992 ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ଜିଲ୍ଲା କରିବାକେ ଦାବି ହୋଇଯାଉଛି। ପରେ 2014 ଆଉ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ 2-2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତ ସେଟା ପୂରଣ ନାଇଁ କରି, ଯାହାକେ ନେଇକିନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରବାକେ ଲାଗିଛି। ସିଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଆଡ଼ୁ ଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳ 6 ବଜେ ନୁ ବେଲବୁଡ଼ା 6 ବଜେ ତକ୍ ଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବା। ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନ ରଖମା ରହୁଛି। ଜୁହାର।